गाइज मुझे लगता है कि मम्मी और अनु उतरने वाले। हाँ उतर गए, ये देखो भाई ये हम मम्मी को लेने आए। मम्मी पैदल पैदल आधा रास्ता, आधा क्या मतलब थोड़ा सा रास्ता मम्मी ने खुद ही पैदल क्रॉस कर लिया। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है और थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो में आपने प्यार दिया। और मतलब मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट किया था, फ्रिज गिफ्ट किया था, कोई बड़ी बात नहीं थी बट अपने लिए बड़ी थी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, एक कमेंट आया था बड़ा प्यारा कि गरीब के पास कोई छोटी सी चीज भी आए तो बड़ा खुश हो जाता है। भाई खुश हो जाता है हर कोई अपने दम पे, अगर आप 1 रुपए की ली चीज भी ले रहे हो तो बेस्ट है, बढ़िया है। और लोगों की मेंटेलिटी हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी लोगों से ऐसे लोगों से कोई दिक्कत भी नहीं है। बोलते रहो आप लोग, आप ही लोग ऐसे लोग हो जो परमानेंट वीडियो देखते हो। ये तो कुछ भी नहीं, आगे बहुत कुछ होने वाला है, बस आप प्यार बनाए रखो। गाइस अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है और अभी मैं बीच रास्ते में पहुंचा हूं। भैया, ओ भैया जी, हेलो, ठीक हो? बढ़िया, थैंक यू। प्रभु के दर्शन करने के लिए रुका था तो साथ में कपूर फर्नीचर भी है तो जरूर आए। गाइस अभी बालू में मम्मी और अनु का वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो बस पे आने वाले हैं, तो ये वाला पॉइंट आपको पता ही है, बालू वाला पॉइंट, और अभी बस पे वो लोग आने वाले हैं। गाइस बस का वेट कर करके ना थक गया, मतलब गर्मी इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। फाइनली गाइस बस भी आ चुकी है, साहू वाली अपनी शिवा बस, ये देखिए भाई शिवा बस आ चुकी है। अभी इसी पे गाइस मम्मी और अनु होने वाले हैं और मैं जाने वाला अपनी क्यूट अंडर पे। हम लोग जाने वाले साहू वाले रोड पे जो कि हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो चंबा वाले उनको पता है, बाकी जो बाहर के वो देख लीजिए सुन लीजिए। गाइस अभी मैं बस के साथ साथ ही जा रहा हूँ तो बस वाले भी समझ रहे होंगे भाई पीछा तो नहीं कर रहा है कहीं। और बाकी गाइस सड़क जो है ना काफी प्यारा है, और अभी सामने से पीछे से ये देखो ये बस आने ही वाली है। गाइस मेरे पीछे से देख सकते हो अभी एकदम से बस निकलने वाली है, तो अब इनको नहीं पता कि मेरे मम्मी और सिस्टर इसमें, हमने कहीं जाना है तो बस वाले सोच रहे होंगे कि कभी आगे आ रहा है कभी पीछे आ रहा है। तो ये देखिए बस आ गई है यहाँ से, ये कितनी प्यारी लग रही है गाइस। गाइस मुझे लगता है कि मम्मी और अनु उतरने वाले। हाँ उतर गए, ये देखो भाई ये देखो, इस लोकेशन पे उतरे गए। इस लोकेशन का नाम है, यहाँ पे कहीं बोर्ड लगा था, यहाँ पे प्लूर लिखा था, प्लूर जहाँ नाम की जगह है। और ये देखो आगे अभी गाइज हम लोग इस गांव में पहुंच चुके हैं। अनु को सबसे पहले मैं छोड़ के आया हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पे ना गाड़ियां वगैरह बस नहीं जाती है, गाड़ियां भी टाइम टू टाइम जाती हैं तो मतलब जब सवारियां पूरी हो जाए तभी निकलती हैं। तो पहले अनु को छोड़ा, मम्मी को लेने नीचे जाना है। गाइज ये सड़कें देखो गाइज, इन सड़कों से होके आया, ऑफ रोडिंग है बिल्कुल पूरी। हम मम्मी को लेने आए, मम्मी पैदल पैदल आधा रास्ता, आधा क्या मतलब थोड़ा सा रास्ता मम्मी ने खुद ही पैदल क्रॉस कर लिया। और अभी हम बिल्कुल ऊपर इस एरिया के आसपास है, सड़क बहुत ही ज़्यादा है, ऑफ रोडिंग है गाइस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती जितना भी दूर हो। गाइस बहुत ही बुरी वाली ऑफ रोडिंग थी, टायर के हिसाब से बाइक के हिसाब से आप लोग देख ही सकते हो। हाय हाय हाय, और अनु कैसी फीलिंग है, और मम्मी क्या हाल चाल, बड़े कैसी थी सड़क, अच्छी चलाता बाइक, डर भी लग रहा था? गाइस ये देखो गाइस आसपास पहाड़ी है, चलो चलते कितना दूर है। गाइस पूरे 3:30 बज रहे और अभी हम लोग फ्री हो चुके हैं, जहाँ पे जाना था कुछ काम था थोड़ा सा अपना, कुछ पर्सनल काम था वो कंप्लीट किया और अब वापस जाएंगे। गाइस अभी थोड़ा भूख वगैरह भी लगी है, अब 3:30 है गाइस, ट्रिपलिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि रोड अच्छा नहीं है, मतलब फैमिली के साथ नहीं चलता, दोस्त वगैरह होते तो फिर तो चल जाता है बट ऐसे मैं नहीं चलता है। चलो देखते हैं क्या बनता है बाकी। ये देखो क्या हाल चाल, मम्मी को फिर से थोड़ा सा पीछे उतार के, वैसे तो हमने हल्की सी ट्रिपलिंग भी की जहाँ पे रोड थोड़ा अच्छा था ना, बट अभी तो भाई ट्रिपलिंग जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो मम्मी को बोला आप थोड़ा उतर जाओ, मैं इसको छोड़ के आता हूँ फिर आपको लेने आता हूँ। वैसे तो नज़दीक ही बजा सड़क, मेन सड़क पे आ ही तो गया, अगर इस मेन सड़क पे आ गया इधर भी पूरा ऑफ रोड, हम मेन सड़क पे आ चुके हैं और मम्मी अभी पैदल आ रहे हैं, थोड़ा सा ही बचा था वैसे तो, मैंने सोचा अभी पता नहीं कितना दूर होगा बट थोड़ा सा ही बचा था। और अभी हम लोग सड़क पे आ चुके हैं, मेन सड़क ये है और आसपास का एरिया कुछ ऐसा है। और भाई इस बाइक की तो ना ये देखो भाई, इस मिट्टी से ही अंदाज़ा लगा लो कि ऑफ रोड कैसा था, मिट्टी धूल वगैरह जो भी है कैसा था। भाई जब कर रहे हैं हम लोग वेट बस का, ये देखो ये लोग बस पे जाने वाले हैं, उसी तरह मैं भी बाइक पे जाने वाला हूँ सुबह की तरह। चलो जी गाइस रूम पे पहुँच गए हम लोग और आज ना पूरा दिन गाइस काम में निकल गया और हैप्पी को गाइस घर पे रखा था, हैप्पी को साथ में लेके नहीं गए थे और इसने हमें हमारे लिए बनाया है आलू, तरी वाले आलू और चावल हैप्पी ने बनाया। हैप्पी खीरा भी दे, खीरा काट, प्याज भी देना थोड़ा सा, ज़्यादा मत देना। बाकी गाइस इस वीडियो को शेयर करना, अभी शाम की रूटीन भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखो गाइस आंखें भी लाल होगी पूरी।
और आपको पता कि गर्मी बहुत है, सबसे पहले आगे गए नहाया फ्रेश हुआ, उसके बाद गए खाना वाना खाता हूँ। कल शाम के पूरे पूरे 8:30 बज रहे, यहाँ पे अपने जॉनी भैया के लिए खाना पैक कर रहे हैं हमारे भैया। और भैया ठीक हो? बढ़िया ठीक हो जॉनी भैया, कैसे हो? ठीक हो बढ़िया। आपकी आज फेवरेट चीज लाए हुए, आज फिर से चिकन लाया हूँ। क्या बात है भैया, आपका इंतजार कर रहे थे भैया, आएंगे हम? क्यों नहीं आएंगे भैया, हम तो आएंगे ही आएंगे। बस चलो ठीक है भाई, तभी मिल जाते हो हमारे भैया के लिए, बस खाना छोड़ने आया था ये देखो। और हमारे जॉनी भैया की कंडीशन अब धीरे धीरे सुधर रही है, ठीक हो रहे हैं बस, तो धीरे धीरे अभी इनके लिए काम ढूंढना है, जब अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे, एक महीने के अंदर अंदर शायद हो जाए रिकवर, है ना जॉनी भैया? भैया चलो थैंक यू बाय। इस खाना छोड़ने के बाद भैया के पास आ चुका हूँ सब्जी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, सब्जी नहीं फ्रूट्स। और भैया ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भैया जी। ये संत भैया के लिए जा रहे हैं, वीडियो देखते हो वैसे? ये वाली वीडियो देखते हो ना? नहीं ये वाली देखता हूँ। थैंक यू। ओहो संत भैया के पास फाइनली पहुंच चुके हैं। और संत भैया क्या हाल है? अंधेरे में खाना क्यों खा रहे हो? अंधेरे में क्यों खा रहे हो खाना? पसीना बड़ा पड़ा हुआ है, पंखा पंखा छोड़ ना, पंखा पंखा ऑन करूं? कर दो पहला बड़ा ना गए। तब आपको पता कि हमारे संत भाई ना चल सकते हैं, कुछ भी कष्ट करना पड़ता तो पंखा कई बार होनी नहीं होता है। चलो खा लो खाना खुना, है ना बैठो। और अभी संत भैया के लिए गए फ्रूट छोड़ने आया था दे दे। और गई अगर आप लोग भी अपनी तरफ से सहयोग दे सकते हो यार, क्योंकि होता ही है, मिलजुल कर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है संत भैया, गुड नाइट। ओके गुड नाइट, खाओ आप भी खाना खाओ।